गुड इवनिंग फ्रेंड्स, डॉलर रुपी पोस्ट मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज डॉलर रुपी अपने इंडियन मार्केट में इट ओपेंड एट 81.28, ट्रेडेड लो ऑफ 26, हाई ऑफ 46 एंड फाइनली क्लोज्ड एट 81.35। ये हो गया आपका डॉलर रुपी स्पॉट दैट हैज ट्रेडेड ड्यूरिंग आवर इंडियन मार्केट। वेयर इज द ग्लोबल मार्केट में ये आपका लो है 81.11, हाई है 81.4750 एंड करेंटली एट 81.25। स्पॉट मार्केट के एनालिसिस के हिसाब से ये इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 80.50। सो 80.50 से 80.75 का एक टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड सेल अपटिक्स में भी कंसीडर्ड है। अगर हम ड्यूरिंग द डे का प्राइस एक्शंस हम देखेंगे 9 बजे से 3:30 बजे का, ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द डे आपका डॉलर रुपी बाइंग इंटरेस्ट देखा गया फ्रॉम सम ऑयल रिलेटेड इंपोर्ट बाइंग, जिसके कारण डॉलर रुपी 45-46 तक गया था। लेकिन इतना भी प्रेशर नहीं था कि ये ऊपर की तरफ वन साइडेड चला जाए। दैट बीइंग द केस, अभी आप देखोगे ये आपका रेड वाला जो लाइन है दैट इज 66 मूविंग एवरेज एंड ब्लू वाला जो लाइन है वो है आपका 34 मूविंग एवरेज। कैसा ट्रैक है? कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड है। दैट बीइंग द केस एवरी अपटिक में बी सोल्ड हियर। यहाँ पे हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी इस रेड कैंडल के लो के नीचे मिला है, लेकिन ये अपना मार्केट क्लोज होने के बाद है 6:30 बजे के बाद, सो ज़्यादा कुछ एक्शन हम ले नहीं पाएंगे। बट यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी था 37 and 17, सो 20 पैसे का एक अपॉर्चुनिटी ऑन आवरली टाइम फ्रेम में था। अगर हम 15 मिनट में देखेंगे, 15 मिनट में थोड़ा सा आपका 66 मूविंग एवरेज डाउनवर्ड है, लेकिन 34 मूविंग एवरेज थोड़ा सा अप एंड डाउन में था। एंड कंसीडरिंग दैट वन, यहाँ पर वही एक सेल ऑफ इस कैंडल पे था, उसके नीचे करीबन 20-25 पैसे का एक 20-22 पैसे का एक ट्रेडिंग था, लेकिन ये आफ्टर मार्केट आवर्स अपना मार्केट आवर के बाद 6:30-7 बजे के बाद ही आया है एक सेल ऑफ। तो यहाँ पर बेसिकली हम डायरेक्टली इसका कोई बेनिफिट उठा नहीं पाएंगे। तो करेंसी फ्यूचर जनवरी एक्सपायरी में आते हैं, पहले हम एक डेली का रिव्यू ले लेते हैं। डेली में आप देखोगे गैप डाउन ओपन, उसके बाद ऊपर की तरफ गया। ये जो प्राइस था ये आपका, आप देखोगे कल का जो क्लोजिंग था वो आपका 81.6250 था एंड आज का जो ओपन था वो है आपका 81.3350। गैप डाउन ओपन होके ऊपर की तरफ गया एंड हमारा इंडियन मार्केट में ये क्लोज था करेंसी फ्यूचर 81.46। सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से गैप डाउन ओपन हुआ एंड ऊपर की तरफ गया। मंडे ऑनवर्ड्स अगर इस आज के ग्रीन कैंडल के नीचे अगर एक रेड कैंडल दे देता है, व्हाट इट सिग्निफाइज, सेलर्स आर डोमिनेंट ओवर द बायर्स। यानी आज का जो भी डिफेंडिंग टेरिटरी था, बायर्स डिफेंडेड द मार्केट, उसके नीचे अगर मंडे ट्रेड करना चालू कर दे, एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 80.90 से 81.00 के बीच में। ये हो गया आपका डेली एनालिसिस पार्ट। अभी आते हैं आवरली एनालिसिस पार्ट। आवरली जैसे कि आपका ये मूविंग एवरेज है 66 ब्लैक वाला, 34 रेड वाला, ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव में है। दैट बीइंग द केस वी कैन लुक फॉर सम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। आज के प्राइस एक्शन में ज़्यादा कुछ आवरली बेसिस पे सेलिंग एक्शन हमें देखा नहीं है, एक नैरो रेंज के बीच में था 33 एंड 50 के बीच में। सो 15-20 पैसे का एक नैरो मूवमेंट था ऑन आवरली टाइम फ्रेम में ये चार्ट दिख रहा है, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे छोटा छोटा अपॉर्चुनिटीज
यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ ब्राइट अपॉर्चुनिटीज हमें मिला नहीं है। 5 मिनट में अगर हम देखेंगे तो 5 मिनट में छोटा छोटा अपॉर्चुनिटीज हमें मिला है सेलिंग के लिए। जैसे कि यहाँ पे दो छोटा छोटा अपॉर्चुनिटीज हमें मिला होगा। ग्रेट अपॉर्चुनिटी नहीं था बिकॉज प्राइस रेंज में फंसा हुआ था। और यहाँ पे आवरली आप देख रहे हो जो मूविंग एवरेज है डाउनवर्ड है, तो हम आवरली बेसिस में भी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढेंगे एज पर दिस सिस्टम। अगर आप 15 मिनट में देखोगे, 15 मिनट में भी डाउनवर्ड ही है, तो यहाँ पर भी हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढना है। अभी एक नज़र मार लेते हैं यूरो आयनर पे गैप अप ओपन दिया था, लेकिन एक रेंज के अंदर में ही फंसा हुआ है। ये जो लो के नीचे यहाँ पे एक नैरो रेंज के अंदर में आपका डील हो रहा था, ट्रेड हो रहा था थ्रू द डे 9 बजे से 5 बजे के बीच में, एंड 15 मिनट में आपको, आप अगर इस मोमेंटम को देखोगे तो हमें एज पर दिस सिस्टम हमें बाय साइड से ही खेलना है, एंड हमें बाइंग का कोई अपॉर्चुनिटी मिला नहीं पुल बैक में। यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज था लेकिन लॉसेस ट्रिगर हो चुका है। अगर इसको हम आवरली में देखने का प्रयास करेंगे, आवरली में बाइंग का अभी तक आया नहीं है बिकॉज 66 मूविंग एवरेज आपका फ्लैटिश टाइप है। एक अपवर्ड राइजिंग होगा तो हम इसमें कुछ देख सकते हैं। जीबीपी आईएनआर पहले हम डेली में देखते हैं, डेली में राइजिंग है आपका 66 मूविंग एवरेज एंड उसके ऊपर 34 मूविंग एवरेज इज ऑल्सो राइजिंग। सो बाई डिप्स हमें डेली टाइम फ्रेम में देखना है। हायर टाइम फ्रेम अगर बाई डिप्स है तो लोअर टाइम फ्रेम में भी हमें थोड़ा बाई डिप्स देखना है। तो यहाँ पे अभी तक साइडवेज है, साइडवेज इसीलिए प्राइस देखो कभी दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर था, कभी दोनों मूविंग एवरेज के नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। सो यहाँ पे आप अगर ट्रेड लोगे तो कटना ही कटना है, लॉस तो होना ही है। 15 मिनट में हम अगर देखेंगे तो इस एरिया पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल रहा था, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए कि 99.47 में बाई करते तो करीबन 20 पैसे का एक प्रॉफिट हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं। डेली बाइंग सेटअप में है तो हम लॉन्ग साइड से ही खेलने का प्रयास करेंगे, चाहे वो आवरली हो, 15 मिनट्स हो या 5 मिनट का ट्रेड हो। जेपीवाई आईएनआर 15 मिनट में तो बाइंग सेटअप है ही, एक बार डेली में देख लेते हैं। डेली में भी बाइंग सेटअप है, आवरली में देख लेते हैं। आवरली में भी नहीं, आवरली में आपका 66 जो है डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मोमेंटम, सो थोड़ा सा क्लैश है, लेकिन 15 मिनट में आपका राइजिंग है तो हमें कुछ नीचे आता है उसके बाद बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। आज के मार्केट में ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज था नहीं, साइडवे मीन्स मोमेंटम कैच करने लायक कुछ था नहीं, एंड मंडे को न्यूयॉर्क हॉलीडे है आपका, मार्टिन लूथर किंग का बर्थडे के लिए हॉलीडे होगा, तो मंडे को भी क्रॉस करेंसी रिलेटेड ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं होगा। डॉलर रुपी में मेनली फ्लो बेस्ड एक्टिविटीज हो सकता है, सो मेजर कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे मंडे को भी। थोड़ा सा फ्लो बेस्ड एक्टिविटीज में अगर कुछ मिलता है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। आज के एनालिसिस में खास कुछ है नहीं डिस्कस करने लायक, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय।